ये अब्दुल समद याकूब साहब, असलम फारूकी, इसको तो जानते होंगे ना आप बहुत अच्छी तरह से। ये आईएसआईएस खुरासान का चीफ है, पाकिस्तान का रहने वाला है, आप ही का क्रिएशन है, आप ही का क्रिएशन है। और वो लड़का जिसने अपने आप को उड़ा दिया, अब्दुल रहमान, वो भी पाकिस्तानी है। दीपक जी, वो एक अलकायदा का जो चीफ है साउथ एशिया चैप्टर का, वो एक इंडियन है। वो पहले अपने अपने घर को तो साफ कर लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। आपके अंदर से जा रहे हैं अलकायदा, और आप कह रहे हैं कि सर वो मसूद अजहर हाफिज सईद, सर मैंने ही पकड़ के रखा था, मेरे ही स्टूडियो में था। क्या नाम था उसका? ओसामा बिन लादेन। अमेरिका यहीं से लेके गया उसको, मेरे ही स्टूडियो में था ओसामा बिन लादेन। आपको नहीं पता क्या? वो एबटाबाद में नहीं, मेरे स्टूडियो में बैठा था याकूब साहब, यहीं से ले गए अमेरिका वाले। पाकिस्तान से तो कोई लेना ही देना नहीं था, ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, मेरे स्टूडियो में बैठता था। आपको नहीं पता? मेहमान था ना आपका, मान लिया ना आपने, सच कड़वा होता है, स्वीकार लिया। अच्छी अच्छी बातें स्वीकार करिए। आपका दूसरा चाचा हाफिज सईद कहाँ है? आपका वो दोस्त दाऊद इब्राहिम कहाँ है? क्लिफ्टन में रहता है ना कराची में, वो भी मेहमान। ये मसूद अजहर को बरादर के पास क्यों भेजा आपने, ये भी बता दीजिए जरा। 17-18 अगस्त को मौलाना मसूद अजहर बरादर के पास। अब जरा संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं, मजाक बहुत। नहीं नहीं, आपने जो कहा अपना घर ऑर्डर में कर ले, मैंने बोला कि मेरे स्टूडियो में बैठा था ओसामा बिन लादेन, यहीं से पकड़ के ले गए अमेरिका वाले, तब आप हंस रहे हैं। दीपक जी हमें तो आप ही डॉन, आप ही डॉन नजर आते हैं, मुझे लगता है आप एक डॉन है। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, आप तालिबान हमारे यहाँ पर एक ही डॉन है जिसने फिल्म बनाई, वो था अमिताभ बच्चन, बस और कोई डॉन नहीं है उसके अलावा। सिन्हा साहब, अब मेरी बारे में ना बोले, कोई ना बोले, मुझे आप बोलने दे, क्योंकि मैं काफी देर से खामोश बैठा हूं। एक सवाल करना चाहते हैं जनरल सिन्हा साहब, याकूब साहब उसके बाद बोल लीजिएगा। हाँ देखिए, मेरा याकूब साहब से एक सवाल है, ये जो बोलते हैं ना, जो ज्यादा कहा है आपके अमीर, जो तालिबान के अमीर मुल्ला ब्रदर को तो भेज दिया आपने, मुल्ला याकूब को भी भेज दिया, और उधर तो भेज दिया आपने जो जो जिसको खलील, जो खलील हक्कानी को। अब बताएं जरा, ये कहाँ है अमीर, किस जेल में भग के रखे हैं? दीपक साहब बोल रहे थे इनके स्टूडियो में तो दिखा नहीं मुझे। आप अभी जो कह रहे हैं ना, इसका बात बता दीजिए, केवल एक बात बताया आप ही साहब, आप तो बड़े आप करते हैं मेरे साथ बहुत बात, आप बताएं कहाँ है जो तालिबान आपके आका के जो अमीर कहाँ रखे हैं आपने, कौन से जगह? किसका किसका खुदादा का पूछ रहे हैं आप, अब्दुल्ला का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? यार जी यार, हाँ मैं तालिबान के अमीर की बात कर रहा हूँ, आपको भी पता है किसकी बात कर रहा हूँ, किस जेल में रखा है। अब्दुल्ला खुदादा सुप्रीम लीडर है उनका अफगानिस्तान में इस वक्त। कहाँ रखा है उसको आपने छिपा के, बताए? अफगानिस्तान में कंदार में। क्या कहाँ पर? अभी तो काबुल पहुंच चुके हैं। अच्छा, काबुल पहुंच चुके हैं वो, हाँ जी। जो तो मुल्ला ब्रादर क्या कर रहे हैं वहां पर, और मुल्ला याकूब क्या कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, अच्छा मुझे पूछते जाए, बारी बारी मुल्ला ब्रादर तो हो गया डिप्टी चीफ याकूब हो गया मुल्ला उमर का बेटा। हाँ, और ये मोहम्मद याकूब वो तो है ना, जो मोहम्मद याकूब एक ही है, अफगानिस्तान में है। अरे झूठो के सरदार, मैं तो सोचता था कि आपको कुछ करने आती है। आप क्या कह रहे भाई, दिल्ली दूर नहीं, 4 दिन और वेट कर लीजिए, फिर डिबेट करेंगे आपके साथ। नहीं, तो क्या आपके ऊपर में मैं याकूब साहब एक बात बताना चाहता हूँ, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा, अफगानिस्तान का तालिबान का, वो आतंकियों को ट्रेनिंग में देने में एक्सपर्ट होगा। एक जो है फिदाई हमलों का एक्सपर्ट होगा, वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर, छोटी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए गोली मारने के लिए प्रसिद्ध होगा। वहां का जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होगा, वो सड़कों को कैसे खोदा जाए उसका एक्सपर्ट होगा। वहां का जो आर्मी का चीफ होगा, वो लैंड माइन कैसे बिछाई जाती है इसका एक्सपर्ट होगा। ऐसे ही बनेगी ना तालिबान की सरकार।
और इसी इसी गवर्नमेंट को आप एंगेज कर रहे होंगे, इस गवर्नमेंट को वहीं पे आप अपना हाथ कितने कुछ हो रहे हैं, कितने कुछ हो रहे हैं, क्या क्या नायाब दंगल पाए आपने।